नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता के लिए कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे चैनल हमारे को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो नया साल आने वाला है 2 दिन के बाद में 2020, वो काफी सारे नए चैनल हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे लौट कर लाने वाला है। यानी कि वो सारे के सारे चैनल हमें देखने को मिलेंगे जो कि हम देखना डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे पसंद करते थे, लेकिन वो किसी कारणवश हमारे ट्राई के नए नियम आने के बाद में वो हमारे पेड चैनल के अंदर शामिल कर दिए गए थे। तो वो सारे के सारे चैनल उसके अंदर से जितने भी हमारे ये मान लीजिए लोकप्रिय चैनल थे वो हमारे को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाले हैं 2020 में। अब मैक्सिमम उपभोक्ता को यही सवाल है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे जो हमारे 43 ई ऑक्शंस के अंदर जो चैनल हमें देखने को मिलेंगे, जो चैनल हमारे 43 ई ऑक्शंस के अंदर हमारा ऐड किए जाएंगे, उसका टाइम पीरियड हमारा कितना होगा, यानी कि कितने समय तक हमें वो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताएंगे कि 43 ई ऑक्शंस के अंदर जो चैनल हमारे ऐड किए जाएंगे वो हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे कितने समय अवधि के लिए ऐड किए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट भरा चैनल हमारे अभी ऐड नहीं किया गया, और काफी सारे हमारे ये मान लीजिए ऑक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके, लेकिन हमारे को उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा चैनल हमारे को देखने को नहीं मिला जो कि हम ये कह सकते हैं कि डीडी फ्री डिश की शान मानी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 42 ऑक्शंस भी हमारा अभी हाल ही में ऐड किया गया थे कुछ चैनल, उसके अंदर भी कोई चैनल हमारा ऐसा धूम नहीं मचा पाया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, 2020 जो हमारा आने वाला है इसके अंदर काफी सारे चैनल हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे हमें को देखने को मिलेंगे जो कि काफी एंटरटेनमेंट भरे चैनल होने वाले हैं। यानी कि कुछ चैनल हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले गए थे, पेड चैनल के अंदर शामिल हो गए थे, तो ब्रॉडकास्टर का ये कहना कि वो सारे के सारे चैनल को दोबारा से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल कराएंगे ताकि उनके डीडी फ्री डिश की वजह से उनकी पहचान कायम रह सके, अन्यथा वो अपनी पहचान को भी गंवा बैठेंगे। यानी कि जितने भी चैनल हमारे पेड चैनल के अंदर शामिल किए गए थे ब्रॉडकास्टर के द्वारा ट्राई के नए नियम आने के बाद में, तो वो सारे के सारे चैनल उपभोक्ता के अंदर अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी पहचान नहीं बना पाए, और वो चैनल है कि दिन प्रतिदिन हमारे लॉस में चलते चले जा रहे हैं, और उनकी जो टीआरपी है वो बिल्कुल डाउन होती चली जा रही है। तो ब्रॉडकास्टर ने बिल्कुल से ये मान लीजिए ऐलान कर दिया है कि वो सारे के सारे चैनल हम हमारे अगले ऑक्शंस के अंदर, यानी कि 2020 के अंदर हम डीडी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएंगे ताकि वो चैनल अपनी टीआरपी इंक्रीज कर सके, और वो टीआरपी से अपना रेवेन्यू निकाल सके, और अपनी पहचान को भी कायम कर सके। जी हाँ दोस्तों, यानी कि काफी सारे नए चैनल हमें डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। और अब बात निकल के आती है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 43 ई ऑक्शंस हमारा कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कितने समय के लिए हमें वो चैनल देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म 42 ई ऑक्शंस हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था वो मात्र 3 महीने के लिए चैनल ऐड किए गए थे, जो भी 8 चैनल हमारे ऐड किए गए थे। और अब हमारा नेक्स्ट ऑक्शंस हमारा मार्च या हमारे अप्रैल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमारा जो 43 ई ऑक्शंस है वो हमारा पूरा का पूरा 1 साल के लिए हमारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जितने भी चैनल हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगे वो पूरे के पूरे 1 साल समय अवधि के लिए हमें देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छी खबर है, और सबसे अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, जो चैनल हमारे लौट कर आने वाले उसमें से काफी सारे चैनल का नाम हमारे पास निकल के आ रहा है, वो चैनल हमें डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकते हैं। और मैं चैनल का नाम आपको मैं जरूर बता देता हूं, लिस्ट हमारे पास आई है और वो लिस्ट का नाम मैं आपको जरूर बता देता हूं। तो उसमें से कुछ चैनल हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, जी अनमोल चैनल ये हमें देखने को मिल सकता है, कलर सिनेप्लेक्स हमें देखने को मिल सकता है, स्टार उत्सव हमें देखने को मिल सकता है, कलर्स रिश्ते चैनल हमें देखने को मिल सकता है, जी अनमोल सिनेमा हमें देखने को मिल सकता है, सोनी वाहा हमें देखने को मिल सकता है, स्टार उत्सव मूवी हमें देखने को मिल सकता है, संजीव कुमार द्वारा प्रसारित हमारा फूड फूड चैनल हमें देखने को मिल सकता है, मोबी टीवी हमें देखने को मिल सकता है, और ना जाने कितने सारे चैनल है जो कि हमारे ये मान लीजिए डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए तत्पर है, पेंडिंग लिस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इनके अलावा और कोई डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म पर नया चैनल देखना चाहते हो तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो हमारा 43 ऑक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है वो आप लोगों की राय के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, यानी कि आप लोगों की राय के ऊपर ये मान लीजिए वो चैनल हमारे डीडी के प्लेटफॉर्म पे ऐड किए जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी राय बताना मत भूलिएगा, साथ साथ में आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों के पास जाएगा उतने लोग अपनी राय बता सकेंगे, और वही चैनल हो सकता है हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 2020 में हमें देखने को मिल जाए, और हमारा जो एंटरटेनमेंट है
कई गुना हमारा बढ़ जाए, और जितने भी हमारे प्राइवेट डीटीएच उपभोक्ता यूज कर रहे हैं अपने डीटीएच को, वो भी हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। तो दोस्तों यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ले जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता को पता लग सके कि 43 ऑक्शन हमारा कितने समय अवधि के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और कितने चैनल हमें उसके अंदर देखने को मिलने वाले, और वो भी अपनी राय बता सके कि वो डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 2020 के अंदर कौन सा चैनल देखना चाहेंगे, ताकि वही चैनल हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दिया जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।